वेलकम टू द आई सेकंड में। आज तारीख 14th of October और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेशल करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज है पीएम डिवाइन। दरअसल एक नई स्कीम है। पीएम डिवाइन का मतलब है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन, पीएम डिवाइन इसका फुल फॉर्म है। इस स्कीम का नाम है और यह 4 साल के लिए है, 2022-23 से 2025-26 तक। मतलब जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन है उसके 4 साल बचे हैं, तो उस 4 साल में ये स्कीम रन करेगी। तो इस स्कीम का मकसद क्या है? इस स्कीम का मेन मकसद यह है कि जो डेवलपमेंट गैप है जो मेन स्ट्रीम इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में, उस गैप को पूरा किया जाए। उस गैप को कैसे पूरा किया जा सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करके। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कमी आ रही है तो उसे दूर करना है। तो जो फंड को लेके जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं, तो उन फंड को कन्वर्ज किया जाएगा और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गति है उसको तेजी दी जाएगी, ताकि पीएम गति शक्ति की स्पिरिट के अनुसार वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी डेवलप हो। दूसरा, सोशल डेवलप प्रोजेक्ट को ध्यान दिया जाएगा, उसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद लाइवलीहुड्स, ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें लाइवलीहुड ज्यादा जनरेट हो यूथ के लिए और वुमेन्स के लिए, ताकि जो डेवलपमेंट गैप है नॉर्थ ईस्ट में उसे फुलफिल किया जा सके। इस स्कीम की खास बात यह है कि 100% सेंट्रल फंडिंग होगी। दरअसल स्कीम होती है 60-40 के रेशो में या फिर 90-10 के रेशो में, पर यह पूरी तरीके सेंट्रल फंडिंग स्कीम होगी। तो यह जो स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डोनर ये इसको इम्प्लीमेंट करेगी। और इसमें कोई डुप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट नहीं होगा, मतलब जो पहले प्रोजेक्ट चले आ रहे हैं उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस स्कीम में नए स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट रहेंगे और जिसको कंप्लीट करने की जिम्मेदारी इस पूरे स्कीम में रहेगी। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली जो न्यूज है वो जयप्रकाश नारायण को लेकर है। क्यों ये न्यूज में है? दरअसल जो होम मिनिस्टर बिहार के दौरे में थे, तो उन्होंने बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में वहां पर जेपी नारायण जी का 15 फुट का स्टेच्यू बनवाया है, उसको अनवील किया है, ठीक है। और ये उनकी 120th बर्थ एनिवर्सरी थी। तो हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव जान लेते हैं इनके बारे में। तो अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे। इसके बाद इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई, जो बाद में जेबी कपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी से मर्ज हो गई और फिर से कहा जाने लगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इन 1952। ऐसे जो फैक्ट है वो यूपीएससी पूछती है प्रीलिम्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से लीडर ने कौन सी पार्टी बनाई है, ठीक है। इसके बाद संपूर्ण क्रांति टोटल रिवोल्यूशन आया, जो बाद में इमरजेंसी का कारण बना। जब इतना महंगाई बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, तो उन्होंने टोटल रिवोल्यूशन की घोषणा करी थी। उन्होंने नारा भी दिया था, खाली करो सिंहासन की जनता आती है। इसके बाद में वो पॉलिटिकल पार्टी से काफी नाराज थे। उनको लग रहा था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी से ये डेमोक्रेटिक नहीं है और ये मॉरल और फाइनेंशियली करप्ट है। इस वजह से इनका रुझान कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी की तरफ होने लगा। अगर हम इनकी वैल्यूज देखें, अगर हम एथिक्स पेपर में इनके वैल्यूज सपोर्ट करना चाहें, तो पेट्रोटिज्म, सोशलिज्म, सेल्फलेसनेस, प्रिजर्वनेस और जस्टिस, ये 4 वैल्यू सपोर्ट कर सकते हो जेपी कृपलानी की। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज इंटरपोल से है। दरअसल इंडिया ने एक रिक्वेस्ट भेजी थी इंटरपोल को कि जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, इसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया जाए, क्योंकि ये हमारे जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसको बढ़ावा दे रहा है, वहां पर सपोर्ट कर रहा है, और ये हमारे लिए एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इंडिया में, और इसे टेररिस्ट का दर्जा दिया गया अंडर यूएमपीएल लॉ। तो हमारे लिए टेररिस्ट है, इसलिए हमने इंटरपोल को बोला है कि इसके खिलाफ एक रेड नोटिस जारी किया जाए, ताकि हमें इसे जल्दी जल्दी अरेस्ट किया जाए। इसने कई सोशल मीडिया में वीडियोस डाल रखे हैं, ताकि जो खालिस्तानी जो मूवमेंट है उसको बढ़ावा देता है ये। तो इसे पकड़ना बहुत जरूरी है इंडिया के सिक्योरिटी के पर्पज से। पर हम बेसिक पर्सपेक्टिव से पहले इंटरपोल को जान लेते हैं। इंटरपोल को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये यूएन का पार्ट नहीं है, ये अपने आप में एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि वर्ल्ड वाइड देशों के बीच में पुलिस कोऑपरेशन का काम करती है और क्राइम कंट्रोल का काम करती है। इसका हेडक्वार्टर लॉन में है, फ्रांस में। ये 1923 में बना था और इंडिया इसका एक मेंबर है। और इंडिया में जो सीबीआई होती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इसकी नेशनल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, मतलब ये उससे एसोसिएट करती है इंटरपोल से। और ये जो रेड नोटिस होता है वो क्या होता है? तो जब रेड नोटिस जारी किया जाता है, जब कोई मेंबर कंट्री इंटरपोल से बोलती है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया जाए क्योंकि इसने टेररिस्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इंटरपोल के जो जनरल सेक्रेटरी है वो इसके खिलाफ रेड नोटिस जारी करती है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी लोकल पुलिस होती है या फिर इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, उन्हें इसे लोकेट करके प्रोविजनली अरेस्ट करना होता है और एक्सट्राडिशन करना होता है। मतलब जहां पे ये बंदा इसने क्राइम किया है वहां पे इसको एक्सट्राडिट करना होगा। सपोज करो अगर गुरपतवंत सिंह पन्नू को पकड़ा जाता है तो उसे भारत को दे देना होता है, क्योंकि जो उसने क्रिमिनल एक्टिविटीज करी है भारत के अगेंस्ट की है, ठीक है। तो इंटरपोल देख लिया और रेड नोटिस देख लिया। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली जो न्यूज है वो स्लेंडर लॉरिस को लेकर है। दरअसल एक प्राइमेट स्पीसीज है और हो क्या रहा है कि इसका लगातार जो इनकी संख्या है वो कम होती जा रही है। इसलिए तमिलनाडु सरकार ने क्या करा है कि इसके लिए एक कडावर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी बनाई है, जो कि देश में पहली ऐसी सेंचुरी होगी जो लॉरिस के लिए होगी, स्लेंडर लॉरिस के लिए है। और ये जो सेंचुरी है वो 11,806 हेक्टेयर में फैली हुई है
और ये करूर और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, मतलब जो कटा हुआ स्लेटर लॉरी सेंचुरी है वो करूर और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी कटा हुआ स्लेटर लॉरी सेंचुरी की। दरअसल हो क्या रहा था, ये इलीगल स्मगल हो रहे थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके पास कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है जो कि बेनिफिशियल होती है, पर इसके पीछे कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, और इसी वजह से इसका ज्यादा पोचिंग हो रही थी, इलीगल स्मगलिंग हो रही थी, इसीलिए इनकी संख्या लगातार कम हो रही थी। और दूसरा, हैबिटेट लॉस हो रहा है, और ये जो वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उनमें इनकी जान जा रही है, और रोड एक्सीडेंट देखा जा रहा है। तो इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए ये सेंचुरी खोली जा रही है। स्लेंडर लोरिस क्या होते हैं, ये एक नॉक्चरनल मम्बल्स होते हैं। नॉक्चरनल मम्बल्स मतलब जो कि रात में घूमते हैं, रात अपना शिकार करते हैं, और ये अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीज में निकालते हैं, इसलिए इसे अर्बोरियल बोला जाता है। और ये नेटिव है इंडिया और श्रीलंका के, जहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेस्ट सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हालांकि इंडोनेशिया, जकार्ता, मलेशिया में पाए जाते हैं, पर मोस्टली ये इंडिया और श्रीलंका में ही ज्यादा पाए जाते हैं। अगर इनके आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो ये इंडेंजर स्पीसीज हैं, इनका कंजर्वेशन होना जरूरी है, और हमारे देश के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया है 1972, उसमें इन्हें शेड्यूल वन में रखा गया है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रेडेटर है पेस्ट के। मतलब हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप को अगर बचाना है तो उनमें जो पेस्ट से बचाना है तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं स्लेंडर लोरिस, और हमारे किसानों को फायदा देते हैं, इसीलिए इसका कंजर्वेशन होना जरूरी है। अब चलते हैं आगे, हमारी अगली न्यूज बैंक रन से। दरअसल इस साल जो नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में, वह बेन बर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप डायविगो इनको मिला है। तो इनमें से जो बेन बर्नानके, उन्होंने क्या बोला था कि बैंक्स की हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, मतलब बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाता है। पर वो क्या रहा था कि 1930 में जो डिप्रेशन आया था, वो उसका मेजर कारण क्या था कि बैंक्स जो इंस्टीट्यूशन है वो फेल हो गई थी। तो हमें सोसाइटी में एक बैंक रन देखने को मिला था। बैंक रन का मतलब क्या होता है, जिसमें क्लाइंट्स होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो अपने पैसा निकालने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो बैंक जहां हमने पैसा जमा कर रखा है वो डूब जाएगा। तो इससे क्या होता है, बैंक रन आता है, क्योंकि बैंक ने भी उन पैसों को कहीं एसेट में लगाया होता है, कहीं लोन दिया होता है, तो एकदम से वही पैसे वापस नहीं कर सकते हैं, तो इससे एक डिफॉल्ट का खतरा आ जाता है, और यही कारण बना था 1930 के डिप्रेशन का। तो उन्होंने बताया था कि हमें अगर सोसाइटी में डेवलपमेंट करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, तो हमारे बैंक तो हमें मजबूत रखना होगा, और बैंक में जो लोगों का भरोसा है उसे इंटैक्ट रखना पड़ेगा। तो भरोसा आप कैसे रख पाओगे, जब आप वो इंश्योरेंस का प्रोविजन रखोगे। जैसे इंडिया में अगर आप किसी भी बैंक में 5 लाख तक का डिपॉजिट रखते हो किसी बैंक में, तो वो 5 लाख आपका सेव रहेगा, और आपका उसमें इंश्योरेंस मिलेगा। अगर बैंक डूब भी जाती है तो भी आपको 5 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे, पर 5 लाख से ऊपर की अगर रखा है तो उसकी कोई गारंटी नहीं, 5 लाख तक आपको वापस मिल जाएगा। पर एटलीस्ट 5 लाख तक वालों को तो ये भरोसा है ना कि हमारी बैंक डूब गई तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए पब्लिक सेक्टर जितने बैंक है उसमें जो पीछे की गारंटी है वो गवर्नमेंट की गारंटी है। तो इसलिए बैंक रन भारत में इतना देखने को नहीं मिलता है, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए वहां पर ऐसा जरूर देखने को मिलता है कि लोग पैसे निकालने के लिए लाइन लगा खड़े हैं। अभी तक तो ऐसे कोई मेजर इंसिडेंट हमको देखने को नहीं मिला। अभी ये चीज हमें चाइना में देखने को मिल रही है, लोगों को भरोसा ही नहीं उनके बैंक पे, इसलिए वहां के बैंक के सामने लाइन लगा के खड़े हैं। तो बैंक रन जो होता है ना, एक्चुअल में कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। पहले माना जाता था बैंक रन कब होता है, जब बैंक डूबने वाली होती है, तो एक कॉन्सिक्वेंस माना जाता है, एक रिजल्ट माना जाता था। पर अभी क्या हो रहा है ना कि बैंक रन एक कॉज बनता जा रहा है फाइनेंशियल डिप्रेशन का, फाइनेंशियल इशूज का, कि अब लोग एक अफवाह फैल जाती है कि ये बैंक डूबने वाली है, तो सारे लोग लाइन लगा खड़े हो जाते हैं कि हमको हमारा पैसा वापस चाहिए। इससे क्या होगा, पूरा जो फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगता है। दरअसल कोई फाइनेंशियल क्राइसिस था ही नहीं, बैंक सॉलिड होती है, पर एक अफवाह आने लगती है, इससे पूरा फाइनेंशियल जो सिस्टम है भारत का या फिर किसी अन्य देश का वो बिगड़ सकता है। इसलिए बैंक रन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूपीएससी से पूछ सकती है, क्योंकि इस साल जो इकोनॉमिक में नोबेल प्राइज मिला है वो इसी कॉन्सेप्ट मिला है। अब चलते हैं आगे, हमारे अगले जो न्यूज है वो लीड पॉइजनिंग को लेकर है। दरअसल जितना पॉल्यूशन है, पॉइजनिंग है, यूपीएससी उन पर पूछती रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि लीड पॉइजनिंग किससे होता है, इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं और इसके सोर्सेस क्या हैं। तो दरअसल नीति आयोग की रिपोर्ट आई, जिसने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के साथ मिलकर एक स्टडी कंडक्ट कराई, जिसमें ये पता चला कि भारत जो है वो लीड पॉइजनिंग के कारण सबसे ज्यादा हेल्थ और इकोनॉमिक बर्डन झेल रहा है। और अगर सबसे ज्यादा स्टेट्स जो अफेक्टेड हैं वो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश हैं, जहाँ पे लीड पॉइजनिंग सबसे ज्यादा देखी जाती है। और 2020 की यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बोलती है कि भारत में आधे से ज्यादा चिल्ड्रन जो हैं वो पॉइजन बाय लीड हैं, मतलब लीड पॉइजनिंग का शिकार है। तो ये नंबर बहुत बड़ा है, और ये हमारे लिए हेल्थ वाइज और इकोनॉमिक वाइज चिंता की बात है। और लीड जो ऐसे पॉल्यूटेंट है वो किसको इम्पैक्ट करता है, हमारे ब्रेन को, किडनी को, लीवर को, ब्लड को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, खासकर जब यंग चिल्ड्रन होते हैं तो उनके ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है वो कम होने लगती है। हमारे एडल्ट में हार्ट डिजीज का कारण बनता है, प्रेगनेंसी जो प्रेगनेंट जो वुमन्स होती हैं उसको ये अफेक्ट करता है। तो लीड पॉइजनिंग क्या होती है, एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें जो हैवी मेटल होता है, जो लीड होता है, उसका इंटेक बॉडी में बढ़ जाता है,
और ये फिर हमारे जो बॉडी में कुछ प्रोसेस होती है उनके साथ इंटरफेयर करने लगता है। उसके बाद ऑर्गन्स में, टिश्यूज में टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, जैसे प्लम्बिज्म कहा जाता है। अब ये क्या होता कैसे, लीड पॉइजनिंग के सोर्सेस क्या है? एक तो बैटरी रिसाइकलिंग, उसके बाद जो ऑक्यूपेशनल सोर्स है, जहाँ जॉब होती है, जहाँ पे माइनिंग होती है, तो वहां से ये होता है, जहाँ स्मेल्टिंग होती है, वेल्डिंग होती है, सोल्डरिंग होती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, यहाँ से लीड पोल्यूशन होता है या लीड का इंटेक होता है इंसानों के बॉडी में। इसके अलावा जो हमारे एडल्ट्रेट स्पाइसेस हैं, कॉस्मेटिक हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, वहां से भी हम लीड को इंटेक कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं से। तो ये सब सोर्सेस हो गए लीड पॉइजनिंग के। अब करना क्या है हमें, एक तो हमें उन लोगों को पहचानना है जो लीड पॉइजनिंग के सबसे ज्यादा शिकार होने की संभावना ज्यादा रहती है उन्हें, ठीक है। उसके बाद हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इसके सोर्स कहाँ है और हेल्थ केयर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे लोगों को। ट्रेनिंग देना है हमें डॉक्टर्स को, ताकि वो जल्दी जल्दी डिटेक्ट कर सके, ट्रीट कर सके। और एक वाइड स्केल की R&D होना चाहिए, इस पर और ज्यादा स्टडीज होना चाहिए कि कैसे फैल रहा है, कैसे इसको कम किया जा सकता है। और करंट अफेयर के ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा एक 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम रन किया जा रहा है, जिसमें आपको 2 डेडिकेटेड मेंटर्स मिलेंगे, एक एकेडमिक मेंटर होगा और एक फॉलो अप मेंटर होगा जो आपके स्टडी को ट्रैक करेगा। उसके अलावा एक PYQ बेस्ड मेंस लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको लाइव आंसर राइटिंग कराई जाएगी और जो क्वेश्चन होंगे PYQ होंगे वो UPSC के थीम बेस्ड होंगे, वो डिस्कस कराए जाएंगे आपके साथ में। उसके अलावा एक करंट अफेयर एनालिसिस का प्रोग्राम है समाचार वाणी, और आपको फिलोसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी के ऑप्शनल क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।